श्योर एनीबडी एल्स आ जाइए, मैं आपको भी बुलाऊंगी बट इन अ व्हाइल, आप आ जाइए. क्या नाम है आपका? निखिल. निखिल, निखिल, लाइक निखिल विद एन एम. निखिल जूते चलेंगे, आप यहाँ पे बैठेंगे निखिल, ऑडियंस को देखते हुए. आपको स्टूल पे बैठना है, ऑडियंस को देखना है. ये ऊपर की लाइट थोड़ी बंद कर दो, आई डोंट वांट निखिल डिस्ट्रैक्ट, नहीं होने चाहिए. निखिल आप पूरा मेरी तरफ टर्न हो जाएंगे, जस्ट टर्न दिस साइड, स्टूल वैसा ही रहेगा. स्टूल के थोड़ा सा आगे की तरफ बैठे कोने पे, हाँ, पैर यहाँ पे ऊपर रख देंगे. मुझे निखिल पे फोकस करना है तो मैं मेरा माइक यूज नहीं करने वाली. Take your time. मैं इनको उठाने तो ऐसे जा रही हूँ, मैं खुद ही गिर जाऊँगी. एक सेकेंड सर. हेलो, क्या नाम है आपका? किरण. किरण जी आगे आ जाइए, निखिल आगे आ जाइए. तो निखिल क्या है सर, इधर आ जाइए ना, शर्माइए मत, मेरे पीछे आप छुपोगे नहीं. सबसे पहली बात, ये आपके ऊपर बैठे थे, कुछ हो जाए तो नंबर ले लेना. किरण जी इनके ऊपर जाने से पहले आपसे एक सवाल, आप इन पे पूरा वजन देके बैठ गए थे? पूरा वजन, कुछ सहारा वरा था, हम किसी ने पीछे से पकड़ा या कुछ? 102 केजी पूरा वजन डाला था. मैडम जी खाना थोड़ा कम करिए इनका. तो पूरा वजन देखे, मतलब आप मुझसे ज्यादा घबराए हुए थे. इतना घबराए तो आप अपना पूरा वजन देखे इन पे बैठ गए थे. थैंक यू सो मच किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद मदद करने के लिए. जोरदार ताली हो जाए इनके लिए. आप बैठ सकते हैं सर. थैंक यू. निखिल, या निखिल, तो
बहुत सिंपल वर्ड्स में, क्या हुआ, दर्द हो रहा आपको अभी, कोई दर्द है शरीर में? नहीं. माइक पास में. नथिंग. उस वक्त कोई दर्द हो रहा था? व्हाट टाइम, द टाइम दैट ही सैड? नहीं, जब वो बैठे तो दर्द हो रहा था, फील हुआ आपको कि हैवी बैठा है कोई, मतलब आप होश में तो थे? हाँ, थोड़ा कुछ तो हैवी हो रहा है बॉडी, थोड़ा कुछ, 102 किलो था वो. हाँ. थोड़ा कुछ नहीं था बट ठीक है, सो यू फेल कि कुछ हो रहा है. हाँ. एंड बट यू वर स्ट्रांग. या अभी कोई दर्द है बॉडी में? नहीं. यू फील गुड? या यू फील कॉन्फिडेंट? या सिंपल थिंग. क्या ये इतना डिफिकल्ट था जितना फोटो में दिख रहा है? नहीं, नहीं था. करेक्ट. थैंक यू सो मच निखिल. थैंक यू, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर निखिल, ही वाज फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच निखिल. थैंक यू. तो निखिल के साथ क्या किया? क्या हुआ निखिल के साथ? सिंपल, जब फोटो देखी तब लगा अरे यार थोड़ा तो हुआ था, भले इन्होंने कॉन्फिडेंटली ऊपर कर दिया हाथ. हम सबके दिमाग में क्या था? फॉरगेट निखिल ने थोड़ा ब्रेवरी दिखाई तो हाथ ऊंचा कर दिया, बट नॉट जस्ट निखिल, कोई भी आता वो ये करता. मैम आप आते तो करते, मैं भी करती, जिसने भी हाथ ऊंचा करके जिसको मैं बुलाती वो ये करता. इट्स नॉट जस्ट निखिल, हर शो में एक व्यक्ति आता है. निखिल और मैं आज के पहले कभी नहीं मिले, ये शो के पहले हम, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम मैंने इसको हेलो बोला जब वो स्टेज पर आए. करेक्ट निखिल? सो इट्स नॉट कि मैंने इनके साथ कुछ पहले मिला या कुछ करा है. इट इज़ बेसिकली नथिंग. अगर मैं मानती हूँ कि मैं गिरने वाली हूँ तो मैं गिरूंगी, अगर मैं मानती हूँ कि मैं नहीं गिरूंगी तो मैं नहीं गिरूंगी. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. इतना आसान है. जो भी व्यक्ति आता है वो ये चीज़ करता. अगर मन में पहले ये था अरे यार ये कैसे होगा, इनको तो पता भी नहीं था कोई बैठने वाला है, सो दैट्स सेपरेट. लेकिन जब मन में डाल दिया कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, जैसे ही भाषा बदली इंस्टेंटली बॉडी में वो एनर्जी आ गई. इंस्टेंटली बॉडी उतनी स्ट्रांग बन गई. कितना टाइम लगा? इतना दिखा वो डेमोन्स्ट्रेट, अभी आपने देखा. इट्स द सेम लाइव एग्जाम्पल जो मैं समझा रही हूँ उसी चीज़ का. हम दो तीन चीज़ें और करेंगे, सबके साथ भी कुछ कुछ करेंगे टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर. बट यह हमें समझ पड़ा. किसी को कोई सवाल है अभी तक यहाँ पर? एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क? बिकॉज मैं नहीं चाहती कन्फ्यूजन हो. आई टेक अ मिनट. हम पूरे टॉक के एंड में एक प्रॉपर क्वेश्चन आंसर राउंड मोस्टली रखने वाले हैं, टाइम परमिट कर लेगा. लेकिन अगर अभी कोई सवाल है डेमॉन्स्ट्रेशन किया उससे या किसी चीज़ से तो प्लीज़ आस्क मी. शर्माओ मत, हिचकिचाओ मत. हम मतलब मेरे को पैसे दे के बुलाया गया है आपके लिए, फिर आप उपयोग नहीं करोगे तो सब वेस्ट है. एनीथिंग यू वांट आस्क मी, लेट्स मूव ऑन. सो इवन इफ देयर इज नेगेटिव इन योर माइंड, स्पीक पॉजिटिव. मन में नेगेटिव है, पॉजिटिव बोलो. तो इतने सालों की कंडीशनिंग को तोड़ो. इवन फॉर फन, मजाक में भी ऐसे नेगेटिव मत बोलो. ये मत बोलो वो वीडियो फोटो देखे मेरे से ये नहीं होगा. ट्राई किया है क्या? नहीं किया तो कैसे बोल सकते हो कि नहीं होगा? हो सकता है. डोंट से नेगेटिव, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया. क्यों बोला? डोंट से, होगा मेरे से होगा, क्यों नहीं होगा, सबसे होगा. सो मजाक में भी अपने आप के लिए वो चीज़ मत बोलो जो आप नहीं चाहते. आप चाहते हो ना वो करना जो मैंने निखिल के साथ किया? चाहते हो कि नहीं चाहते? येस और नो? तो ये मत बोलो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि चाहते तो हो ना. से होगा, देखा जाएगा. जब जाएंगे करना होगा तब देखेंगे ना. अभी क्या है? स्पीक पॉजिटिव. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, ओ सॉरी आई एम गोइंग बैक, सॉरी. थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, मैं पढ़ रही हूं. स्पीक व्हाट यू वांट, नेवर इवन मेंशन समथिंग यू डू नॉट वांट. जो चाहिए वो बोलो, जो नहीं चाहिए उसका जिक्र भी मत करो. इसको भी बेटर एक्सप्लेन करते हैं. सब जनों का जवाब चाहिए मुझे, ठीक है? मतलब आलस नहीं चाहिए यहां पर, सब जनों का जवाब चाहिए. एवरीबडी, क्या आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं? हाँ या ना? इसे थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलिए. बोल नहीं सकते तो आएगा कैसे? ऊपर भी दिखते हो मेरे को आप सब. क्या आप सब और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं? हाँ या ना? क्या आप और भी ज्यादा खुश होना चाहते हैं? क्या आप और भी ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होना चाहते हैं? पर पूरे दिन क्या बोलते हैं? पूरे दिन हम क्या बोलते हैं? मुझसे ये नहीं होगा, और मेरे तो ऐसे देखो मुझे तो तुरंत ही रोना आ जाता है.
बोलते ना ऐसा, मुझसे नहीं होगा, मुझको बड़ी घबराहट होती है, बोलते हैं ना, चाहते क्या है, आहा हा, बोलते क्या है, आहा हा, करेक्ट, इजंट दैट ट्रू? आपने लास्ट टाइम कब बोला था मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं? क्या सोच रहे हो सबजन? आहा सर क्या जवाब है, मतलब मजाक का टाइम नहीं है फिर भी बोल देती हो. सर जी बोलते शादी से पहले बोला ना. देखा इसलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ सर, शादी नहीं करती मैं. सो देखिए हमें याद भी नहीं हमने लास्ट टाइम वो चीज कब बोली थी जो हमें चाहिए. हम चाहते कॉन्फिडेंट होना पर याद ही नहीं कब कि बोलते हैं कभी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ. नहीं, जो चाहिए उसको तो बोलते ही नहीं है, जो नहीं चाहिए उसके तो माला जपते हैं. और हम उम्मीद करते हैं हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ये कर कर. कैसे? मतलब मुझे तो लॉजिक बताओ ना कैसे होगा. आप पेन के अंदर ब्लू इंक डालते जा रहे हो लेकिन मैं उम्मीद मुझे रेड इंक चाहिए, अरे कैसे आएगी? मतलब क्या मिरेकल होने वाला है? हाउ? लॉजिक ही नहीं है. सब जन अपनी पीठ सीधी रख के बैठेंगे, अगर पैर क्रॉस्ड है तो पैर ओपन करेंगे, अपने हाथों को अपने थाइस पे रखेंगे. एवरीबॉडी क्विकली राइट नाउ, ऊपर भी. एवरीबॉडी पीठ सीधी रखनी है, आराम से पीछे टेका लेके बैठना है. और सर ये सब लिखा हुआ आपको नोट पे मिल जाएगा, डोंट वरी. ऐसे अपने हाथों को यूं रखना है अपने थाइस पे, बैक नाइसली सपोर्टेड रखना है. डोंट वरी मैम, इट्स ओके, आप ऐसे ही कर लीजिए. ऑन माई काउंट ऑफ थ्री सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे. 1 2 3 नाउ. सर फोन छोड़ दीजिए अपना, इट इज ओके, बालकनी में. हाँ जी, क्लोज योर आईज केयरफुली, ध्यान से मेरी आवाज सुनते हुए एक गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद रखनी है. आंखें तब तक नहीं खोलनी जब तक मैं कहती नहीं. सांस अंदर, बाहर. रिलैक्स योरसेल्फ, अपने आईब्रोज को ढीला छोड़े. अपने कंधे रिलैक्स्ड, काम पीसफुल. गहरी सांस लेते हुए आपका ध्यान सिर्फ मेरी आवाज पे. नाउ आई डोंट वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट योर मदर. अपनी माँ के बारे में ना सोचें. उनका चेहरा, उनकी हंसी के बारे में ना सोचे. आई डोंट वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट के अभी आपने क्या पहना है. मत सोचिए अभी आपने क्या कपड़े पहने हैं उसके बारे में, बिल्कुल मत सोचिए. I don't want you to think about your phone password. एक गहरी सांस लेंगे. Relax, rub your hands. हाथों को रगड़ेंगे, चेहरे और आंखें सटाएंगे, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे. ओके, क्या सोचा? क्या किरण जी? किरण जी सिर्फ आपने नहीं, सबने वही सोचा. जैसे ही मैंने बोला अपनी माँ की, डोंट थिंक अबाउट योर मदर, सबसे पहली चीज जो दिमाग में आई वो थी मदर. करेक्ट? क्या आप उसके पहले अपनी मां के बारे में सोच रहे थे? नहीं. ये कहकर कि अपनी मां के बारे में ना सोचे,
मैंने तो आपको अपनी माँ याद दिला दी, करेक्ट? क्योंकि मैंने उनका जिक्र किया, भले मैंने बोला नहीं मत सोचो, लेकिन मैंने उनका जिक्र किया, मैंने उनका वो शब्द मेंशन किया, उसके बारे में बोला। सेम थिंग, माइंड को नहीं, अगर आपने, लोग बोलते हैं ना कि माइंड को नहीं पता चलता क्या नहीं करना, ऐसा नहीं है। पॉइंट है कि अगर कोई चीज बोली है तो वो माइंड में आएगी। माँ के बारे में मत सोचो, पहले आती है माँ, हाँ अब नहीं सोचा तो हटाओ, पर आ तो गई ना। बस ये गलती हम लाइफ में करते हैं, ये मेरा थर्ड पॉइंट है। अगर मैं चाहती हूँ कि आप अपनी माँ के बारे में ना सोचें, मुझे माँ का जिक्र नहीं करना चाहिए था, फिनिश्ड। जो चाहिए मुझे वही बोलना है, जो नहीं चाहिए मुझे उसका जिक्र भी नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है और वो बोलता है आई एम नॉट डिप्रेस्ड, मुझे डिप्रेशन नहीं है, मन में क्या जा रहा है? डिप्रेशन। भले वो बोल रहा है नहीं है, बोल क्या रहा है? डिप्रेशन याद दिला रहा है। गेटिंग द पॉइंट? एक डिप्रेस्ड आदमी क्या नहीं करता, वो खुश नहीं होता, वो लोगों से नहीं मिलता, वो अच्छा खाना नहीं खाता, वो घर के बाहर नहीं निकलता। तो अगर एक व्यक्ति डिप्रेशन में है जिसको बाहर निकलना है, उसको ये नहीं बोलना है कि मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, उसको बोलना है मैं खुश हूँ, मुझे लोगों से मिलना पसंद है, मुझे अच्छा खाना खाना पसंद है, मुझे अच्छे कपड़ा पसंद पहनना पसंद है, मुझे बाहर जाना पसंद है, मुझे लोगों से मिलना पसंद है। वो बोलेगा जो उसे करना है, ना कि वो जो उसे नहीं करना है। और आपको भी वही करना है। एवरीबडी, जो चाहिए वो बोलो, जो नहीं चाहिए उसका जिक्र भी मत करो। दैट्स इट। आजकल मुझे उतना स्ट्रेस नहीं होता, आजकल थोड़ा खुशी ज्यादा है, आजकल थोड़ा आराम ज्यादा है। स्ट्रेस का शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? याद दिला रहे हो कि पहले हुआ करता था बहुत। अरे यार, फिनिश। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग, ये लैंग्वेज होनी बहुत जरूरी है। इन सेल्फ टॉक जिसे हम बोलते हैं, ये सेल्फ टॉक होना जरूरी है। दूसरों से बात करो तो भी यही होना जरूरी है।